बसपा प्रमुख मायावती ने कमलनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को 15 साल बाद बीजेपी के शासन से मुक्ति मिली है, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से राज्य में किया जा रहा काम संतोषजनक नहीं है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में उत्पीड़न सरकारी आतंक अब भी जारी है। दरअसल उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई कमियां रहीं, इसी वजह से बसपा को आशा के मुताबिक सीटें नहीं मिली। पार्टी उन कमियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। अगर पार्टी के लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिन लोगों को विश्वास नहीं है उन लोगों को भी अंत तक इसमें शामिल होना पड़ेगा। करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को संविधान कल्याण की गारंटी देता है, लेकिन अफसोस है कि कुछ स्वार्थी तत्व देश के खजाने और सिस्टम पर अपना अधिकार जताते हैं, जबकि स्वार्थी ताकतें वोट के लिए लोगों को आपस में भिड़ाने में माहिर है। वोट बटने से हम लोग कमजोर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में उत्पीड़न और सरकारी आतंक की परंपरा इस सरकार में भी कम नहीं है, लेकिन बसपा सर्व समाज के हित के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।